नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन के इस बेहद ख़ास एपिसोड के लिए हम पहुंचे हैं झारखंड के ज़िला लोहरदगा में। मेरले इस गांव का नाम है और इस गांव में उरांव आदिवासी रहते हैं। मेरे साथ दो खूबसूरत महिलाएं इस गांव की मौजूद हैं, सुनीता भगत और पूर्णिमा उरांव। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार। इन दोनों के बारे में, इस गांव के बारे में, झारखंड के बारे में, झारखंड के खाने के बारे में बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए सुनीता भगत जी, हाँ, कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम अभी बनाने वाले हैं, आज हम लोग का इधर झारखंड में बंडा का बहुत प्रचलित है, हाँ, हम अभी बंडा बनाएंगे। हाँ, तो आप जैसे जैसे बनाती जाएंगी, हाँ, बताती जाइएगा, है ना, जिससे देखने वालों को समझ में आए। ठीक ठीक। तो बंडा को मैं बता दूं कि बंडा का मतलब होता है पोर्क, सुअर का मांस। जी, चढ़ा दीजिए कढ़ाई। अभी हम लोग इसमें सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अभी सरसों तेल डाल रहे हैं। हाँ, डालिए। तो सबसे पहले सरसों का तेल। हाँ। तो आप लोग खाना सरसों के तेल में बनाते हैं? हाँ, सरसों का तेल में ही बनाते हैं हम लोग। अब तेल गरम हो चुकी है, अभी हम लोग थोड़ा प्याज डालेंगे। प्याज डालिए। तो स्लाइस की हुई प्याज इसमें डाल दी। हाँ, अभी डाल दी। अभी थोड़ा भुनाएगा। हाँ। थोड़ा थोड़ा लाल होने तक अभी इसको भूनेंगे हम लोग। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से भूनना। हाँ, अच्छे से भूनना है। लाल हो जाएगी प्याज। हाँ, लाल हो जाएगी तब तक। तो आपके गांव में इसमें कितने घर होंगे, कितने परिवार होंगे? लगभग 200। 200 परिवार? 200 बड़ा गांव है। हाँ, बड़ा गांव है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। हाँ हाँ, पूरा पहाड़ों के से घिरा हुआ है हमारा गांव, बीच में है। यहाँ सामने में बगड़ू पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? बगड़ू पहाड़ है, जहाँ अल्मोनियम बॉक्साइड यहाँ से सेलिंग होता है। अच्छा अच्छा, बॉक्साइड की माइनिंग खूब होती है ना। हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लाल हो रही है। तो आपके यहाँ माइनिंग हो रही है, तो जंगल बचा हुआ है? दिखाई तो देता है, पहाड़ तो हरे हैं अभी। जंगल तो बचा हुआ है, पर वो बहुत काट भी दिए हैं। हाँ। पर में नया नया पौधा उग भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। अच्छा, ये बरसात की वजह से शायद। हाँ। ज्यादा हरा, ज्यादा हरा दिख रहा है। सुनीता जी। हाँ। आपके गांव के और आसपास के गांवों के लोग अभी भी जंगल जाते हैं कुछ फल सब्जियां पत्ते या इस तरह की चीजें? बिल्कुल जाते हैं। ये जो अभी पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये सभी जंगल से ही लाए हैं हम लोग। जो पत्तल आप लोगों ने बनाए, दोनों बनाए, दोना पत्री बनाए, वो पत्ता सब जंगल से हम लोग लाए। अभी हम लोग जंगल में जाएंगे, खुखड़ी फूटो जो मिलता है वहाँ पर, उसको फिर वहाँ चुनने जाते हैं हम लोग। तो मशरूम, जिसको इंग्लिश में हम मशरूम बोलते हैं। तो जाते हैं हम लोग जंगल, जाते हैं जी। और हम लोग के इधर बहुत सी जंगल में ऐसी ऐसी चीज मिलती है जो शहर में नहीं मिल पाती है, जो हम लोग को नेचुरल खाने के लिए मिलता है यहाँ पर। थोड़ा प्याज लाल हो चुकी है। हाँ, प्याज लाल हो गया है। तो अभी हम लोग डाल रही हूँ, अभी जो कटी हुई छोटी छोटी पीस है। हाँ, हाँ। उसको डाल रही हूँ अभी। और जो बचा हुआ पीस है। हाँ। उसको थोड़ा 5 मिनट बाद इसको डालेंगे इसमें। अच्छा, उसको बाद में क्यों? हाँ। डालेंगे उसमें, क्या है ना, ज्यादा ऑयल है, चर्बी है। अच्छा, वो चर्बी वाला। हाँ, पीस, चर्बी वाला पीस है, इसलिए नहीं कम टाइम लगेगा। हाँ, उसको कम टाइम लगेगा पकने के लिए। और अभी गर्म हो जाएगी ना, तो वहाँ से तेल निकलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसको 5 मिनट भून लेते। हाँ, इसको भून लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में 5 मिनट बाद उसको डालेंगे इसमें। आपका अंदाज देख के मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वाह। अच्छी कुक तो नहीं हूँ, पर प्रयास करती हूँ अच्छा बनाने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ चेक करेंगे ढक्कन उघार करके। हाँ। वाह। आपका तो अपना
कुकरी चैनल होना चाहिए, ठीक चलेगा, मैं बता रहा हूँ, आप शुरू कर दीजिए। झारखंडी खाना, आदिवासी खाना, जो जितना पूछो सबको डाल देंगे। सही में अगर मैं प्रयास करूँ तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अभी आपके गांव के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि धान के खेतों में लोग सब रोपाई कर रहे हैं, तो रोपाई का सीजन है, रोपाई का सीजन है अभी। तो गांव का अभी तो ऐसा है, इस गांव ऐसा है ना, बाकी तरफ तो अभी खेती नहीं हो पा रही है, लेकिन एक मेरले गांव ऐसा है कि वो बाकी जगह नहीं, बारिश नहीं हो पाती है, पर मेरले गांव जो ऐसा गांव है जो हर साल बारिश होती है, थोड़ा बहुत जो है वो धान होना ही है, खेती होती ही है। उसकी वजह शायद ये कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, और घाटी जैसी बन गया तो बारिश हो ही जाती है। हाँ, जैसे कि जंगल में बारिश होती है। हाँ, तो जंगल में बारिश होने के कारण सभी जो पानी जो बारिश होती है इकट्ठा होके सब नीचे आ जाता। अच्छा, है बह के नीचे, पहाड़ का पानी, जो बाढ़ का पानी जो है नीचे आ जाता। नीचे आने के बाद जो समतल जो है यहाँ का पानी फिर नीचे खेतों में भर जाती है, फिर इधर उधर नहीं जा पाती। लेकिन हर इलाके में जो पहाड़ पे खेत है उनके लिए मुश्किल है, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन आपके यहाँ एक ही फसल लेते हैं या पूरे साल भर पानी उपलब्ध है? सभी फसल किए जाते हैं, गेहूं हुआ, चना हुआ, क्या बोलते हैं, खेसारी हुआ, रहाड़ हुआ, सभी होता है खेती। तो अभी थोड़ा पक गया है। हाँ। अब हम लोग जो दूसरा जो पीस का कट है, अच्छा, जो फैट वाला जो बचा हुआ है, इसको अभी हम लोग डालेंगे। इसे क्या है, ज्यादा गर्म नहीं है, नहीं घुलेगा ये। हाँ। यहाँ से ज्यादा नहीं निकल पाएगी। हाँ। जिसको जो बना खाते हैं ना, जिसको ये नहीं मिलता है नाराज हो जाते हैं। हाँ। पर यहाँ हम लोग का गांव का जो माहौल है ना, हाँ, सब की बंडा नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भगत परिवार का जो होता है यहाँ, हाँ, हाँ, वो बंडा नहीं खाते, पर हम भी एक भगत परिवार का ही है। हाँ, पर लेकिन हमारे लिए आप बंडा पका रही हैं। हाँ, नहीं खाते भी है। अच्छा, खाते भी हैं। खाते अच्छा भी भगत है। जो लिखते हैं जिनका टाइटल है, वो बंडा आमतौर पर नहीं खाते हैं। अच्छा, परिवार मेरा नहीं खाता है, पर अच्छा। अभी हम लोग जिस लाइन से जुड़े हुए हैं ना, तो सभी जगह हम लोग को घूमना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। आप प्यार से आप दीजिएगा तो उसको नहीं खाएंगे, नहीं खा सकते तो हैं, इसी हाँ बुरा लगेगा उसको। इसी कारण से हम लोग बाहर निकलने थोड़ा सा आधुनिक हम लोग हो गए हैं। नहीं अच्छा है, तो जैसा माहौल है उस तरह से ढलने का प्रयास करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। अब इसको हम लोग थोड़ा ढक देंगे, ढक देंगे, अभी नमक नहीं डालेंगे अभी। थोड़ा अब इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। अच्छा। डालेंगे नमक। बहुत अच्छा। इसमें हम लोग डालेंगे नमक अपना स्वाद अनुसार। अब इसमें ढक्कन हम लोग नहीं ढकेंगे। अच्छा। इसमें अभी ढक्कन ढकेंगे। हाँ, हाँ, डालेंगे तो इससे पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा बहुत। हाँ। ज्यादा पानी हो जाएगा नमक डालने के बाद। हाँ, पानी छोड़ देगा। हाँ, पानी छोड़ देगा। वाह, इसी को कहते हैं तजुर्बा। जो लोग खाना बनाते रहते हैं उनको आइडिया रहता है। हाँ। वो ही अच्छा खाना बना पाते हैं। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी। हाँ। हल्दी पाउडर देंगे हल्दी से, अच्छे से रंगा दें, कलर आ जाए इसमें। मेरा ससुर जी को मेरा खाना बनाया है बहुत पसंद है इसको। अच्छा। हाँ। अरे वाह। हम उसको काम भी कुछ नहीं करें, खाना बना के खोल देंगे तो। अच्छा। भी अच्छा, काम बेशक मत करो। हाँ, घर में खाना अच्छा बना। खेत में अच्छा चाहिए, खेत में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे पता है ये परिवारों में, जॉइंट फैमिली में पहले। हाँ। ये होता था कि घर में
जो बहू खाना अच्छा बनाती थी उसको फिर खेत से छुट्टी मिल जाती थी कि तुम खाना बनाओ, बाकी सब बहुएं खेत में काम करेंगी। देखिए गांव देहात में ऐसे आप सभी जगह ऐसा जो जॉइंट फैमिली जो बड़ा परिवार रहता है। हाँ। और मेरा ससुराल घर में तो बड़ा ही परिवार, लेकिन भले अभी अलग अलग हो चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी है सास ससुर लोग सभी की है, मेल जोल है। हाँ, मेल जोल सब है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परिवार में। अब थोड़ा ये भून चुकी है, अब इसमें हम लोग आया मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, जो पिसा हुआ है, पिसा हुआ मसाला। हाँ, पिसा। इसमें गरम मसाला है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, जीरा है, अदरक है, लहसुन है, और इसका सब मिक्स करके हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टी पे हम लोग पीसे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। कहे कि इसमें हम लोग जगह मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। खुशबू आने लगी है और भूख बढ़ाने लगी है। क्या बात है। तो आज मेरले गांव में सुबह से ही रिमझिम का माहौल बना हुआ है। हल्की हल्की फुहारें सुबह से पड़ रही हैं और इन फुहारों के बीच में इस गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं। पहाड़ पर बादल टिके हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत फिज़ा है। और इस माहौल में, इस मौसम में, इस गांव के एक परिवार की दो महिलाओं के साथ हम लोग बंडा पका रहे हैं, यानी कि पोर्क पका रहे हैं, जो अब लगभग पककर तैयार है। अब ये बिल्कुल बन चुकी है। हाँ हाँ। अब ये टेस्ट करने के लिए हमारे जो सर है वो बिल्कुल तैयार है। कैसे बना है थोड़ा सा टेस्ट करके बताएं। पढ़ने के लिए तैयार है। तो थोड़ा करके हम निकाल बस, रहे हैं। बस 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 थोड़ा सा ही दीजिए, क्योंकि फिर आप लोगों के साथ खाएंगे आराम से। तो ये हमारा जो बंडा ये है, सब्जी है। हाँ, वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब टेस्ट करके बताएंगे हम लोग कि बना कैसे है। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। और अब इसका स्वाद चखते हैं। हाँ। और आपको बताते हैं कि सुनीता जी ने और पूर्णिमा जी ने मिलके जो बंडा बनाया है उसका कैसा स्वाद बना है। तो दोस्तों, सुनीता जी ने जो बंडा पकाया है, पूर्णिमा जी भी उनके साथ हैं, उसको उसका स्वाद चखते हैं भात के साथ। बहुत ही बढ़िया। सुनीता जी ने बताया कि उनके हाथ का बना खाना उनके ससुर को बहुत पसंद है और उसकी एक वजह है। इसको चखने के बाद सिर्फ सुनीता जी के खाने पे मेरा भरोसा नहीं बढ़ा है, बल्कि उनके ससुर की समझदारी और स्वाद को समझने की क्षमता पर भी मेरा भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि सुनीता जी बहुत ही कमाल का खाना बनाती हैं और आज के बंडे का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों, ये बंडा ताज़ा यहाँ के आदिवासी बाज़ार से ख़रीद कर लाया गया था, क्योंकि इन इलाकों में आप गए और मटन या पोर्क खरीद कर ले आए, ऐसा नहीं होता है। सप्ताह में एक दिन बाज़ार लगता है, उस बाज़ार का इंतज़ार करना पड़ता है अगर आपको खस्सी या बंडा खाना है, क्योंकि फ्रिज की सुविधा यहाँ पर नहीं है। इत्तेफाक से आज इतवार है, इतवार बाज़ार लगा हुआ था, वहाँ से सुनीता जी ने ये बंडा
मंगवाया है। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सुनीता जी की जो भी आप तारीफ़ करना चाहें, पूर्णिमा जी की जो भी तारीफ़ करना चाहें, बहुत कमाल की लड़कियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।